हाँ, वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार, आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इसमें बात करते हैं हम लोग कल कहाँ पे ट्रेड करें और कैसे प्रॉफिट बनाएं। तो फ्रेंड्स, आज इसी पे बात करेंगे, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। और इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे विथ लॉजिक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे हूँ। फ्यूचर का अप्रैल का चार्ट है और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों जबरदस्त तरीका से नीचे जा रहा था। अब जा रहा था और आप यहाँ पे थोड़ा सा, मैं जो पीछे आपको चार्ट दिख रहा होगा, आपको ये जो चार्ट है पीछे दिख रहा होगा, मैं पीछे इसलिए किया हूं ताकि आपको इस पे नजर आ सके, आप इसको थोड़ा सा वैल्यूम को समझ पाए कि कितना वैल्यूम में ट्रेड हो रहा था और इतना अच्छा से नीचे गिर रहा था, राइट। और आज क्या हुआ है, आज तो बहुत ही अच्छा से ऊपर गया है और आपको यहाँ पे वैल्यूम देखिए तो इसके तुलना में पीछे वैल्यूम था ही नहीं, ठीक है। तो बहुत अच्छा वैल्यूम आया है और यहाँ से एक अच्छा कैंडल भी बना है। तो फ्रेंड्स, हम जैसे बात कर रहे थे कि एक कलम जैसे बात कर रहे थे कि इसको हम लोग ब्रेकआउट एंट्री करेंगे नहीं, अगर गैप अप ओपन होता है तो हम लोग वहां पे सोचेंगे। तो आज हम लोग जो काम किए हैं वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे काम किए थे। तो आज हम लोग अब आगे की तैयारी क्या होनी चाहिए, आप देखिए, जैसे इतना अच्छा से ऊपर गया है, अब इतना अच्छा से ऊपर गया तो इतना तो तय है कि अब डायरेक्ट नीचे आएगा नहीं। अब ऐसा थोड़ी है कि आज 10% ऊपर जाएगा तो कल 10% नीचे चला जाएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। अब इसमें होने की चांसेस क्या, थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहला, कल अगर मार्केट में भी अगर पॉजिटिव ओपन होता है, अगर पॉजिटिव ओपन हो जाए तो आपको मैं थोड़ा सा यहां पे दिखा रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसका छोटा फ्रेम करता हूं ताकि आपको ये दिख सके, ठीक है फ्रेंड्स, एक सेकेंड। चलिए, जैसे आप देख पा रहे हैं तो अब ये होगा क्या कि ए में 1 आवर्स के चार्ट लगाया हूं, अब यहां पे अगर ए ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हम लोग हमेशा पुल बैक एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग पुल बैक एंट्री करने का मौका देगा, ये आज भी मौका दिया था, ठीक है, तो आगे भी देगा। तो हम लोग ब्रेकआउट एंट्री यहां पे नहीं करना चाहेंगे, हम लोग यहाँ पे पुल बैक का हम लोग काम करेंगे। हो सकता है कि कल ओपन हो, सीधा सीधा नीचे आ जाए, उसके बाद ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको ऊपर अभी तो आज के जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो इस तरीका से बता रहे कि हम लोग पुल बैक एंट्री ही करेंगे, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, क्योंकि दोनों में अच्छा वैल्यूम आया है। तो ये हो सकता है कल गैप अप ओपन होके हम लोग को मौका देगा, आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, मौका देगा। अगर इसको ऊपर जाना है तो बार बार मौका देते ही ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग पुल बैक एंट्री कल भी करेंगे। और जो भी मैं लेबल हूं, बहुत से लोगों की लेबल नहीं, लेबल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आज जबरदस्त तरीका से जैकपॉट हुआ तो कैसे हुआ, मैं वहां पे बात किया था। अब बात कर रहे थे कुछ स्टॉक से, तो स्टॉक में हम लोग जैसे कि आपको देखिएगा कल वॉचलिस्ट में हम लोग का रहेगा टाटा स्टील, माइंडट्री रहेगा और जो है आपका JWS स्टील रहेगा, ठीक है। ए जो स्टॉक है हम लोग का, ये रहेंगे हम लोग का कल के वॉचलिस्ट में। जैसे मैंने कल भी 3 वॉचलिस्ट दिया था, तो कल इसमें से एक में हम लोग आज ट्रेड किए जो कि जैकपॉट हुआ। तो इसी तरीका से हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, कम करते हैं, उसी में हम लोग प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं। और ये स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना होता है, क्या करना होता है, मैं उस पर जरूर बात करूंगा आगे की वीडियो में, जब लर्निंग वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सारी चीजें मैं बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये तो रही बात कि आपको कल जो है हम लोग को पुल बैक एंट्री के सहारे ही काम करना होगा और आपको मौका मिलेगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं मौका देगा। तो आपको उस पर थोड़ा सा अमल करना है, चीजों को समझना है। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम पे अगर आपको कॉल अच्छा लगता है तो उसको थोड़ा सा ये किया कीजिए, तो ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे जैसे आप देख पाए कि इस तरीका से हम लोग करके काम करना है। अब ऐसा मैं क्यों बोलता हूं कि जब भी एक बहुत बड़ा रैली होता है, देखिए लॉजिक समझिएगा, जब भी एक बहुत बड़ा रैली आ जाता है तो रैली में करेक्शन तो आना चाहिए, जब तक करेक्शन होगा नहीं तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है। आए ये करेक्शन होगा देन हम लोग ट्रेड करेंगे, हम लोग हमेशा
जो है करेक्शन में नहीं इम्पल्स मूव में ट्रेड करेंगे। तो इम्पल्स मूव बनने की तैयारी जब होगा उस पे हम लोग को ट्रेड करना है। अब ये सीधा सीधा ऊपर गया है तो हम लोग इंतजार करेंगे, थोड़ा सा पुल बैक करें, उसके बाद हम लोग ट्रेड कर ले। जैसे आज जितना बहुत निफ्टी ऊपर गया है, आपको बहुत चांस दिया था, ठीक है, दो बार तो बहुत जबरदस्त वाला चांस दिया था, ठीक है, तो पुल बैक का आपका चांस देगा और वहां पे आपको सारी चीजों को ये करके आपको ट्रेड करनी है, बस मत है। तो ये हम लोग का पुल बैक का ही कल काम करना है, ठीक है। तो ये आपको लेवल मैं वहां पे बता दूंगा और यहाँ पे तीन स्टॉक मैंने दिया हूं वो आशीष में रखिएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए कि हाँ भैया इस तरीका से यहाँ पे काम किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।